सिरफिरे स्टूडेंट की नापाक हरकत से शिक्षा जगत हुआ शर्मसार। स्कूली बैग से निकाला असलहा और लिख दिया काला इतिहास। पहले किया नमस्ते, फिर प्रिंसिपल के सीने में उतार दी गोलियां। सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा शख्स उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल साहब को उनके ही एक स्टूडेंट ने गोलियों से भून दिया है। प्रिंसिपल को गोली मारकर स्टूडेंट फरार हो गया है। स्कूल के अंदर दिन दहाड़े सनसनीखेज खूनी वारदात से सीतापुर में सनसनी है। दरअसल ये मामला है सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके के आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज का, जहां 24 सितंबर को रोजाना की तरह कॉलेज के प्रिंसिपल राम स्वरूप वर्मा अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। इसी दौरान करीब 8:30 बजे 12वीं का एक स्टूडेंट आया। उसने प्रिंसिपल से पहले नमस्ते किया, फिर असलहा निकालकर ताबड़तोड़ कई गोलियां प्रिंसिपल पर बरसा दी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर स्कूली बच्चे डर गए। वहीं कॉलेज स्टाफ के कुछ लोग हिम्मत करके प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ दौड़े तो उन्हें हमलावर स्टूडेंट असलहा लहराते हुए भागता दिखाई दिया। वहीं प्रिंसिपल गोली लगने से खून से लथपथ जमीन पर पड़ा रहा। जो बच्चा गोली मारा उसके दो तीन झापड़ मार दिए। वो सुबह आज स्कूल आया, स्कूल के गेट पे खड़ा था, फिर अंदर गया, झोड़ा वाला रख के मुझे स्कूल तक प्लस्तर हो रहा थे पहाड़ के ऊपर से, उसने पर पहले चला। सिरफिरे स्टूडेंट की करतूत से हड़कंप मचा है। आरोप है कि गुरविंदर सिंह नाम के स्टूडेंट ने प्रिंसिपल पर गोलियां बरसाई हैं, जो कि 12वीं का छात्र है। स्टूडेंट के खूनी इंतकाम की वजह मामूली बताई जा रही है। चर्चा है कि आरोपी स्टूडेंट गुरविंदर सिंह का शुक्रवार को एक स्टूडेंट से विवाद हुआ था। स्टूडेंट की कंप्लेन पर प्रिंसिपल ने आरोपी स्टूडेंट गुरविंदर को 1-2 थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे नाराज स्टूडेंट गुरविंदर ने अपने ही प्रिंसिपल राम स्वरूप वर्मा के सीने में कई गोलियां उतार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।